जीजाजी छत पर है जी। लैसी जी, जीजाजी छत पर है, बताइए आप यहाँ पर कुछ सेवा कर सकते हैं आपकी? नहीं, सेवा वेवा सब जाने दीजिए। इलायची जी, जीजा जी जी, बस अब वो बोल दीजिए, अब बस। क्या बोल दीजिए? हुई वो ही कह दीजिए प्लीज। वो ही क्या? टीचर जी। क्या इलायची जी? अरे यार इलू, मिठाई तो खिला दे, जीजा जी को मिठाई खिलाने आई थी ना ऊपर। मैं तो भूल ही गई, ला जीजा जी ये अपनी जुबान की ना मिठास बढ़ाइए इस मिठाई के साथ और फिर बोलिए आई लव यू। ये क्या बोल रही हैं आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सुनो, मुझे अब तो इंजेक्शन का सर पड़ चुका है, दूसरा लगाना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है यार। इलायची जी हाँ? एक सेकंड, कुछ हो गया इलायची जी? आप ऐसे खुसुर फुसुर कर रही हैं आप, कुछ क्या हो गया? क्या कुछ नहीं, आप सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, ठीक है, धन्यवाद। भाभी को भी खिला दीजिएगा जी। गुड नाइट, गुड नाइट इलायची जी, मिठाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलू यार ये ना बात सुन, ज्यादा रिस्क मत ले ठीक है, क्योंकि अंकल जी के सामने अगर चीजा जी ने तुझे आई लव यू बोल दिया ना तो चीजा जी ना अपने घर और नौकरी दोनों से जाएंगे। हाँ यार ये तो बात है, लेकिन तुझे सच बताऊं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस आदमी के मुंह से बार बार आई लव यू सुनने में, मतलब समझ रही है ना। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है तेरे साथ ऐसे ऐसे? अरे सेठ जी पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है हमारे वो पीछे। आज इतना बड़ा सुमा घुसेगा तो दर्द तो होगा ही। एक मिनट सुन, दिखाइए कुछ फर्क पड़ा तेरे उसके चेहरे पे, दिखा दो। अरे सेठ जी एक दिन में थोड़ी ना फर्क पड़ जाता है, धीरे धीरे होता है इसका असर। तुम इसकी छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाला नया इंजेक्शन लेके आया हूँ, ये देखो। अरे भैया इंजेक्शन इंजेक्शन में ना लगवाने वाला, देख देख कैसा कैसा दर्द से तड़प रहा है, देख ले। अरे सेठ जी वो इलायची की धक्की की वजह से लग गया ना, तो जोर से लग गया थोड़ा, वरना इतना दर्द ना होता। तुम इसकी छोड़ो, मेरे कहने पे तुम बस एक बार ये इंजेक्शन लेके देखो, कसम से कह रहा हूँ दो तीन दिन के अंदर अगर जवान लड़की ना दिख गई तो मेरा नाम छोटे से बदल के छड़ंगी रख देना, बोलो। अच्छा बिल्कुल, मतलब सोच रहे तू, एक बार तुम पोजीशन तो लो, आज मैं तुम्हें जवान लड़का बना के छोड़ूंगा, आओ मेरे हिसाब से बैठो तुम। हाँ आओ तो टाइम है। आ रहे हूँ, आ रहे हूँ यार, इंजेक्शन है ऐसे थोड़ा ही लगवा लूंगा। आगे आगे और आगे आगे, ये ठीक है बस बस। सेठ जी हाँ, सांस अंदर खींच लियो। खींच रहा हूँ, बड़े कड़क है मामला। रेडी जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। जा। अरे सेठ जी सुई टूट के फिर से घुस गई है? सिकाई कर लेना। ये क्या किया तूने? वो मैंने ही इसे धक्का दिया क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था। सिकाई कर लेना। ओके संजू चल बाय। इलायची संजू, अबे चल बाय। पापा छोटे ना आपको बेवकूफ बना रहा था। छोटे मुझे बेवकूफ बना रहा था? अरे नाना
वो मेरा बच्चा है, मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगा? तो आपने उन्हें बेवकूफ क्यों बनाया फिर? मैंने उसे बेवकूफ बना? अरे मैं उसे बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? क्यों? 2000 का लहंगा 4500 में नहीं बेचा आपने? अरे वो तो बिजनेस है, बिजनेस में सब चलता है। लेकिन तू क्या कर रही थी कि छोटे ने मुझे बेवकूफ बनाया? I love you. क्या बक रहे आइए? सेठ जी, I love you कह रहे हैं। ये ना हमसे कह रहे हैं I love you गुगु, I love you गुगु, सो जा लु 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 लु। पापा, छोटे आपको ना ये सच बोलने वाला इंजेक्शन लगाना चाहता है। सच बोलने वाला इंजेक्शन? हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपने ना झूठ बोल के उसे वो लहंगा बेचा है, लेकिन ये सच वो आपके मुंह से उगलवाना चाहता था, इसलिए इंजेक्शन लगाना चाहता था, लेकिन फंस गए बेचारे जीजाजी, और जीजाजी को लग गया। I love you. अरे किससे I love you कह रहे हैं ये? अरे फिर से कहा हमको I love you. सर जी, हमको ही कह रहे हैं I love you. क्या ना बहुत प्यार आ रहा गुगु को हम पे है ना? है ना गुगु? अरे लेकिन ये देख तो इलायची की तरफ रहा था। अब पापा, ये जो इंजेक्शन लगाया ना, तो सच बोलने के अलावा और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कहीं पे निगाहें लेकिन कहीं पे निशाना, यहाँ था निशाना। हाँ। सेठ जी, आप बहुत लोगों का पप्पू बनाते हैं। हाँ। हमसे कह रहे हैं, हमसे ही कह रहे हैं सेठ जी। आप सेठ जी हैं? क्या है ना कि पिंटू भाभी, क्यों शर्मा रही है? बता दीजिए ना पापा को। चलो चलो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, जीजा जी ना पिंटू भाभी को प्यार से सेठ जी बुलाते हैं। चलो मैं मान भी लूं कि वो इन्हें सेठ जी बुलाता है, तो ये किसको बेवकूफ बना रही हैं? अरे हमने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया है। अच्छा, लेकिन शक्ल से तो आप इतनी चालू औरत दिखती नहीं है। वो क्या है ना सेठ जी, गुगु को ऐसा लगता है, गुगु कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया है ना इलायची जी। कहीं तुम लोग मेरा बेवकूफ तो ना बना रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो पापा? अच्छा तो इससे मेरे बारे में पूछ कि मेरे बारे में क्या सोचता है? बेहोशी में? नहीं, नहीं, आ गया, होश आ गया। पूछ पूछ, चल अब पूछ। इलायची जी, आप जीजा जी, जो मेरे पापा हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप एक नंबर के कंजूस हैं, और हम छोटे को बता देंगे कि आपने उनका उल्लू बनाया था। सुन, इसे कहीं बाहर बंद कर लेती हो। हाँ। इसे यहीं रहने दे। हाँ। वरना ये छोटे के सामने मेरा बैंड बजा देगा। हाँ। कहीं रहने, तू यहीं रह। हाँ। हाँ, मैं जा रही हूँ। साहब जी, क्या हो गया मंगीलाल, क्या हो गया? साहब जी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मतलब ये तू इंजेक्शन किसका लेके घूम रही है? साहब जी वो क्या है ना, अपने चांदनी चौक में ना डेंगू मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, इस वजह से ना चांदनी चौक में डेंगू फैल गया है। अच्छा डेंगू? लेकिन तुम ऐसी बात है तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर? या तू जा, डेंगू के मच्छरों को मारने की दवा जल्दी से छिड़कवा पुलिस थाने में। साहब जी ये काम मेरा ना है,
ये तो महानगर पालिका वालों का काम है ना साहब जी, तो वो लोग करेंगे। वैसे साहब जी, डेंगू से बचने के लिए ना मैं इंजेक्शन लगवा के आ रही हूँ और ये इंजेक्शन आपके लिए लाया हूँ। हाँ हाँ मंगीलाल, तू कितना मतलब कितना सोचता है पिंकी जी के बारे। तू इधर आ। जी जी जी, तू बस उसको उधर रख। तू इधर पप्पी दे। थैंक यू सो मच। तो साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो पुष्पा है ना अपने प्यारे हाथों से इंजेक्शन लगाएगी। पुष्पा यहाँ आ जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, इसका हाथ नाजुक होगा। प्यार। जी 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 जी। पुष्पा एकदम आराम से धीरे से लगाना, पिंकी जी को पता भी ना चले। ये ले। बचपन से दिल्ली में रतालू उखाड़ रही हूँ। पुष्पा ये सच बोलने वाला इंजेक्शन था, अब देखना आने दो कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब के सामने ना ये सच की उल्टिया करेगा। अरे कुछ ना कर रहा हूँ मैं पंचम से मिलने जा रहा हूँ। तबियत ठीक ना है, अभी जाओ बाद में। मैं तबियत ठीक ना है का क्या, मैं कोई मतलब तबियत खराब कर रहा हूँ क्या? अरे छोटे कैसा है तू? तुमसे तो बात ही ना कर रहा हूँ, मैं पंचम से मिलने आया हूँ बस। एक मिनट रुक जा, तू रुक तो जा। अरे तू भी कह, अरे बोला कौन दिया है, क्यों आ रहे हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ क्या है? एक मिनट सुन। हाँ मैं कह रहा हूँ, तू अभी तक नाराज है मुझसे? मैंने बोला नाराज हूँ? मैं कोई नाराज ना हूँ सेठ जी, बस मुझे पंचम से मिलना है बस। तू पंचम तो ना मिल पाएगा बस। क्यों ना मिल पाऊंगा? ऋतिक है क्या वो जो ना मिल पाऊंगा मैं? ना दीपिका है। अगर तू उससे मिला और तूने छेड़ दिया तो फालतू की बेकार की बातें ना करो। फालतू की बातें तू कर रहा है। अच्छा सुन एक काम कर, कुछ खाना है तो बता। हाँ छोटे भैया मैं जरा कुछ खाने का लेके आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इस घर का पानी ना पीऊंगा मैं बस। अरे पानी ना पिएगा? तो जा रास्ता ना चल। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ मैं खुद देख लूंगा अभी बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है। जा रहा हूँ मैं। अरे जा रहा हूँ। बातें कर रहा है बेकार की, मेरे तो भाग्य फूट गए। जय हिंद साहब जी। जय हिंद। जय हिंद, क्या हो रहा है ये सब यहाँ? और ये पुलिस स्टेशन में ऑन ड्यूटी सो रहा है? साहब जी ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये पिंकी साहब तो पुलिस स्टेशन को ना आधा घर बना रखा है। साहब जी ये कभी भी सो जाते हैं पुलिस स्टेशन में ना, कभी मटन बनाते हैं, कभी चिकन बनाते हैं, और साहब कभी कभी तो ये कपड़े धोने लग जाते हैं। सर ये तो साहब जी की है, उन्होंने मुझे काटने को कहा और खुद सो गए। उठाओ इसे, उठाओ इसे। साहब जी, साहब जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मंगीलाल, थोड़ा सोने देना पिंकी जी को। एक पुलिस स्टेशन में तो पिंकी जी को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है, घर में तो इतना काम हो रहा है कि हालत खराब हो जाती है पिंकी जी की। लेकिन साहब जी आप इंस्पेक्टर हैं ना, पिंकी जी तो काम वाली बाई है। इलायची के पापा, ये बेसन के गट्टे की सब्जी कैसी बनी है जरा बताओ। रोज पीछे पड़े रहते थे कि गट्टे की सब्जी बना, अब बताओ। सुन जैसे तू पहले बनाती थी ना, अब गट्टे की सब्जी में वो बात ना है, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे पिन्ना क्यों रही है? सच का सामना करने की हिम्मत रख। और सुन अगर मैं तुझसे ये कह देता झूठ में कि हाँ बहुत अच्छी बनाई है तूने सब्जी, तो फिर हर बार तू ऐसी सब्जी मेरे सामने रख देती और मुझे जबरदस्ती ठूसनी पड़ती। इसलिए सच को पचाने की हिम्मत रख और सीख कैसे पचाया जाता है सच, समझी? सच को पचाना तो आप सीखो जीजा जी, एक सच था जो आप पचा नहीं पाए, माफ कीजिएगा बुरा मानना। कौन से सच की बात कर रहे हैं? मेरी और कद्दू की सच्ची मोहब्बत का सच। ये बात आऊं तेरे गाल पे ऐसा लपड़ मारूंगा कि सारे दांत जो हैं वो चबरनी और ठन्नी की तरह नीचे गिर के बिखर जाएंगे। अरे बस करिए, रोज रोज से झिकझिक सुन के ना मैं तंग आ गई हूं आप दोनों की। पापा एक काम करो, छटंकी मामा और बुआ को ना आमने सामने लाके खड़ा कर दो,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सिंपल। तू वकील नहीं हो रखी है इसकी, और एक नंबर का काम चोर आवारा और पॉकेट मार रही है। इसकी तरफ तो मेरी बहन कद्दो मुंह करके थूकेगी भी ना। सफेद झूठ बोल लिया जाए आदमी बिल्कुल। मामा जी, सेठ जी एकदम सच कह रहे। अच्छा, कैसे भाई कैसे? अरे ये यहाँ कैसे आ गया? अरे यार पिंटू भाभी, ये कैसे आ गए यहाँ पर? अरे मैं तो ना इन्हें सुनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ना मुझे कैसे धक्का दे के भाग आए। एक बार ही हम माल लेने शकरपुर गए। अच्छा। तो वहीं बगल में कद्दो बुआ भी रहती थी। अच्छा। तो वो हमसे मिली। फिर क्या हुआ भाई? तो बातों ही बातों में आपके नाम का जिक्र हुआ। अच्छा, क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? तो आपका नाम सुनते ही उन्होंने हमसे ये कहा कि वो कमीना घटिया जलील आदमी अभी तक बाहर घूम रही है। अगर गलती से आप उनके आंखों के सामने आ गए तो वो अपनी चप्पल को गोबर में भिगो भिगो के आपको मारेंगी, इसलिए आप उनके सामने मत जाइएगा। पंचम, अगर तुम सच कह रहे हो तो दो चार बातें मेरे बारे में भी बताओ ना। रहने दो ना मम्मी, क्यों फ्री फंड में पंगे ले रही हो? अरे जब मैं गलत हुई ना तो फिर डरना किस बात का? बताओ बेटा पंचम, बताओ। जरूर जरूर आंटी। आंटी जी, जो आप ये साइलेंटली रोती हैं, ये जो नाटक आप करती हैं, ये बस आप सेठ जी को बस में करने के लिए करती हैं। आपको खाने का बहुत शौक है, आप हर वक्त खाती हुई नजर आती हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको देखने के बाद, आपको खाते हुए देखने के बाद रामायण की त्रिजटा राक्षसनी की याद आती है। नासपीटे में तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे गुस्सा घूम रही है, सच पचाने की जो है हिम्मत रख। सेठ जी आप क्या भाषण दे रहे हैं, बल्कि आपको भी सच का सामना करना चाहिए। और सेठ जी आप कंजूस नहीं है, मक्खी चूस हो। आप सारा दिन हर दिन अपने ग्राहकों को झूठ बोलते रहते हैं, हमसे भी झूठ बुलवाते हैं, सस्ता माल महंगे में बेचते हैं, चालू काम करते हैं, गलत बात है। हम क्यों चुप करें सेठ जी, अब आप करिए ना सच का सामना। आपने बल्कि अपने दोस्त को भी झूठ बोल के एक माल बेचा, मतलब लहंगा बेचा। आपने 2000 का माल 4500 रुपए में बेचा अपने दोस्त को, बहुत गलत बात है। और अब हम ये बात उन्हें बताने जा रहे हैं। अरे पकड़, हाँ जी आप ऊपर चलिए चलिए। इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर भरी जवानी में हम ऊपर चले जाएंगे तो आप रो रो के पागल हो जाएंगे। इलायची जी ये रो रो के पागल क्यों हो जाएगी बे? नहीं बोल, ये क्यों पागल होगी? क्योंकि जीजा जी जानते हैं कि मैं कितनी इमोशनल टाइप की बंदी हूँ। याद है मम्मी, वो मेरी जो गुड़िया थी वो खो गई थी, तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, रो भी रही थी थोड़ा, है ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, इलायची जी कुछ कंफ्यूजन हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेठ जी हम आपसे ये कहना चाहते थे कि इलायची जी का जो हमें हेलो ये जो है मुझसे इलायची के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। पापा वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ना पढ़ाई करती नहीं हूँ, जानबूझ के फेल होती हूँ, ऐसा ही कहना चाहते हैं। अच्छा, ये तुझे कैसे पता कि ये बात कहना चाह रहा है? क्योंकि अभी ऊपर बोल रहे थे मुझसे कि मैं जानबूझ के फेल होती हूँ ना, तो इसलिए शिकायत करेंगे आपसे। अच्छा सुन, इसे छोटे की नजरों से दूर रखियो। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आप आइए बैठिए सर, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। आप कब आए सर? जब आप सो रहे थे। हाँ? अच्छा, वो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इंस्पेक्टर पिंकी जी, आप दिल्ली में बचपन से रह रहे हो या पिछले जन्म से रह रहे हो, ये बताइए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप तो ये बताइए कि उस कैदी का क्या हुआ? मोंटी की बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं शाहरुख की बात कर रहा हूँ। शाहरुख? इंस्पेक्टर पिंकी, बकवास बंद करेंगे आप? कितना बोलते हैं आप, अगर इतना ध्यान आप अपनी ड्यूटी पे दें,
इतना एहतियात अपने फर्ज के साथ निभाएं तो आपको मालूम है आप कितना आगे जा सकते हैं। साहब जी, फर्ज की अहमियत तो आप समझते हैं, मुझे आज भी याद है कैसे आपने अपनी छाती आगे कर दी थी दुश्मनों की गोलियां खाने के लिए। लेकिन बस में बैठे यात्रियों को एक खरोच तक ना आने दिया आपने। थैंक यू मंगीलाल, थैंक यू। थैंक यू सर। ए मंगीलाल, तू क्यों इनकी चमचागिरी में झूठ के तड़के लगाए जा रही है? बस के यात्रियों की जान इन्होंने नहीं बचाई थी, वो तो बचाई थी सब इंस्पेक्टर उमाकांत खसोटे ने, और सारा क्रेडिट ये ले गए। मंगीलाल, ये कैदी अभी तक सो क्यों नहीं रहा है? जी वो और इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। आपको तो मैं बाद में देख लूंगा। मतलब मैं क्या बोल रहा है सर, आपने वो क्रेडिट मतलब चले गए, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।